ஜனாஷலாக்கய சக்ஷ்ணமலதம் யேனா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவை நமஹ. ஸ்ரீ சைதன்யோ மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வம் ரூபா கதா மாயம் ததாதி ஸ்வம் பதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பத் கமலம் ீரூபம் சாஸ்தம் சகநாத்விதம் தம் சீவம் சாத்வைத்தம் சரபூதம் பரிஜனசிதம் கிருஷ்ணச்சைதன்யதேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ணபதான் சகநலிதா ஸ்ரீ விஷாகாநிதமாஷ்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ ஷ்பானுசதேவீ பிரணமாமி ஹரி பிரிய வாஞ்ச கல்பதருபக்ஷா கிருபா சிந்துபைவ பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவ்யோ நமோ நம. ஜாய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹாய் கிருஷ்ணா, ஆஜ கா ஜோ சீர்ஷக் மேனே சுனா ஹை ஷாயத் ஆப் சப்கோ மெசேஜ் மே பி ஆயா ஹோகா. பஹலே மே ஆப் சப்கா ரோஹினி இஸ்கான் மே ஸ்வாகத் கர்த்தி ஹூன். சப்கோ மெசேஜ் ஆயா ஹோகா, கிசினே படா வோ மெசேஜ், கியா தா சீர்ஷக். தோ ஜோ ஆஜ கா டாபிக ஹை वो है युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस. और कहाँ से हम इसका ज्ञान लेंगे? युद्ध में ही उपदेश दिया गया, जहाँ पर शांति का उपदेश दिया गया, भगवान ने दिया. कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा है और भगवान वहाँ पर उपदेश दे रहे हैं, और कुरुक्षेत्र के उस युद्ध स्थल में शांति का उपदेश दे रहे हैं. युद्ध क्यों होते हैं? किसी को युद्ध शांति की स्थापना के लिए किए जाते हैं, कि शांति हो जाए, पीस आ जाए, इसीलिए युद्ध लड़े जाते हैं. आज तक इतिहास देखेंगे तो युद्ध इसीलिए लड़े गए, कि अल्टीमेट गोल शांति है. आप कहेंगे अलेक्जेंडर ने पूरे विश्व को जीतने का प्रयास किया, उसने अनेक राज्यों को जीता, अनेक देशों को जीता. किस लिए जीता? उसके मन को शांति नहीं मिल रही थी, लक्ष्य शांति ही था. दो देश भी आपस में लड़ते हैं तो लक्ष्य शांति है, कि शांति हो जाए. पर कभी शांति आई है युद्ध से? युद्ध से शांति नहीं आती है. धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा है. कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, महाभारत का युद्ध है, जो भगवान कह रहे हैं धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है. और जब राम जी ने, रावण का वध हुआ है, तो राम जी वापिस लौटे हैं अयोध्या. माँ कौशल्या पूछती हैं, रावण को किसने मारा? तो राम जी कहते हैं, उसके अहंकार ने उसको मारा, उसकी ईगो ने उसको मार दिया. और उसका नाम लेने से पहले उसके नाम के आगे बहुत बड़े बड़े एडजेक्टिव्स लगाते हैं राम जी. भगवान राम स्वयं कहते हैं कि बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा ब्राह्मण, महा समथिंग कर करके उसकी बड़े संस्कृत में उसके नाम के आगे लगाते हैं. और फिर कहते हैं कि शिव जी का परम भक्त, इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा ब्राह्मण रावण अपने अहंकार से मारा गया. तो व्यक्ति अपने अहंकार से मारा जाता है, तो देश भी आपस में लड़ते हैं तो अहंकार बीच में आता है. वही बात, वही चीज जो है, जब हम वार्तालाप, बातचीत करके उसको खत्म कर सकते हैं, वो युद्ध में कन्वर्ट हो जाती है. सो लक्ष्य पीस होता है, वॉर एंड पीस तभी कहा गया है. युद्ध का लक्ष्य शांति,
पर शांति कभी युद्ध से नहीं आती है, शांति हमेशा, प्लीज उनको बोलिए बाहर जाइए, शांति हमेशा भगवान कहते हैं कैसे प्राप्त होगी, अर्जुन को बताते हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है, अर्जुन ने अपने अपने तीर को, अपने अनारो उसको गांडीव को नीचे रख दिया है, रो रहा है, डिप्रेशन में चला गया है, क्योंकि युद्ध डिप्रेशन देता है। युद्ध में देखा जाता है कि आगे क्या होने वाला है, युद्ध में लोगों को मारा जाएगा, लोग मारे जाएंगे, एक ही देश के नहीं मारे जाते, दोनों सेनाओं के मारे जाएंगे। युद्ध हमेशा डिस्ट्रेस, सैडनेस, शान, युद्ध में हमेशा डिस्ट्रेस आएगा, पीड़ा आएगी, दुख आएगा, कष्ट आएगा, कोई युद्ध नहीं चाहता है। सो वी शुड ट्राई टू बिल्ड, भगवान यही सिखाते हैं कि ब्रिजेस को बनाओ, बैरियर्स को, दीवारों को तोड़ो, बाधाओं को खत्म करो और पुल बनाओ, प्रेम का पुल बने, एक दूसरे के साथ प्रेम का, प्रेम से रहने का, कोऑपरेशन के साथ रहने का पुल बने। सो बिल्ड द ब्रिजेस, ब्रेक द बैरियर्स। तो भगवान महाभारत के युद्ध में पर बहुत कुछ कहा गया है कि बड़े एटिकेट्स रखे गए थे, जो युद्ध था सूर्य उदय से पहले नहीं होगा, सूर्य अस्त होते ही युद्ध बंद हो जाएगा, और कई बार तो दुश्मन एक दूसरे के साथ बैठकर खाते भी थे। और फिर जो युद्ध है उसमें जो सैनिक होंगे उनको बहुत सारा कोड ऑफ कंडक्ट, अपना बिहेवियर के ऊपर बहुत सारे अपने ऊपर रूल्स लगाने थे, उनके ऊपर रूल्स लगे थे। क्या रूल्स थे? कि जो सैनिक है वो एक दूसरे के ऊपर वार कब करेंगे, एक समान जब होंगे, जो पैदल चलने वाला है वो पैदल चलने वाले के साथ ही लड़ेगा, जो घोड़े पे बैठा है वो घोड़े के साथ, घोड़े पर जो सवार है उससे ही लड़ेगा, और कोई कमर से नीचे किसी पे वार नहीं करेगा, किसी निहत्ते पे वार नहीं करेगा, पीठ पे वार नहीं करेगा, किसी पशु पे जो युद्ध में नहीं है और जो हानि नहीं दे रहा उसको बीच में नहीं मरना है, उसको नहीं मारना है। एक कथा बड़ी सुंदर है जहाँ पर एक चिड़िया थी और युद्ध होने जा रहा है जब महाभारत का, तो वो चिड़िया जो है उसके बच्चे, और उसने नए उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घोंसला पेड़ से गिरा और बीच में गिर गया, इधर युद्ध शुरू हो रहा है और ज़मीन पर गिर गया है। अब चिड़िया बहुत चहकने लगी, अपने उसके बच्चे रो रहे हैं, और वो कहा है, कथा है कि अर्जुन के रथ पर जाती है और भगवान से कहती है कि ये युद्ध रोक दो, मेरे बच्चे जो हैं वो मारे जाएंगे। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान रक्षा करते हैं उसकी। एक हाथी जो युद्ध में है, भाग ले रहा है, उसके गले में बहुत बड़ी घंटी बंधी है, तीर चलता है, वो हाथी भगवान अर्जुन से कहते हैं उसकी घंटी के वहाँ से उसका ऐसा तीर लगाओ कि उसकी घंटी जो है नीचे गिरे, और जैसी घंटी गिरती है वो घोंसले के ऊपर गिरती है, और जितने दिन युद्ध चला है उतने दिन उसकी रक्षा हुई है चिड़िया और उसके बच्चों की, उसका वध नहीं होने पाया, भगवान ने रक्षा की है। तो ये कहा गया था कि युद्ध में जो भाग लेंगे वो ऐसे निहत्तों पर वार नहीं करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट रखा गया था। और ये सब जब तक भीष्म पितामह को नई शरशैया पर डाला गया, तीरों की शैया पर, तब तक ये सब कुछ ऐसे ही चला था। पर दुर्योधन और कौरवों के अहंकार ने इस युद्ध को अंजाम दिया है। तो भगवान तो शांति के दूत बनकर गए थे, पांच गांव मांगे थे सिर्फ कि पांच पांडव हैं, पांच गांव दे दो, पर कौरवों के अहंकार ने उन्हें देने नहीं दिया, उन्होंने कहा एक सुई के नक्के जितनी जगह भी नहीं हम देंगे। तो ये अहंकार था कौरवों का, उस अहंकार की वजह से ये युद्ध हुआ। तो युद्ध केवल अहंकार की वजह से होता है, शांति के लिए हो रहा है पर इसमें बहुत हानि होती है, इसमें बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख आता है, अपने साथ पीड़ा लेकर आता है युद्ध। तो युद्ध जो है इतना सरल नहीं है, हम कहते तो हैं कि युद्ध हो जाए, युद्ध कर लो, उस वो हमारा शत्रु है। भागवतम सिखाती है कि शत्रु से भी मित्रता रखो, शत्रु से शत्रुता मत करो, शत्रुता का भाव मत रखो। जो वैष्णव होते हैं वो अपने शत्रु के भी शत्रु नहीं होते हैं,
अपने शत्रु से भी प्रेम करते हैं। युधिष्ठिर पांडवों के मन में कोई भी द्वेष नहीं है कौरवों से, सारे कौरव मारे गए हैं पर धृतराष्ट्र को पिता के समान ही महल में रखा गया है। धृतराष्ट्र की बहुत सेवा की गई है। धृतराष्ट्र खुद कहते हैं मेरे बच्चों ने मेरी इतनी अवभगत नहीं की, इतना सम्मान मुझे नहीं दिया जितने मेरे को ये 5 पांडव देते हैं। वो इतना उस सम्मान में खो गए, वो दुख भी भूल गए अपने 100 पुत्रों के मरने का। तब विदुर जी ने आकर याद दिलाया कि अब आपको प्रस्थान करना चाहिए, अब आपको इस संसार से चलने के लिए विदा लेनी चाहिए, अब वानप्रस्थ लेना चाहिए, इस महल को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। कहने का अर्थ है कि पांडवों के मन में अभी भी प्रेम है, प्रेम था। वो नहीं चाहते थे, धृतराष्ट्र उनके शत्रु के पिता थे, उनकी पत्नी को नग्न करने वाला जो है उसके पिता है, वो कौरवों के पिता है, पर फिर भी पांडव उनसे पूरा सम्मान दिखा रहे हैं। वो अपने शत्रु के भी शत्रु नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान उनके साथ है। भगवान जहां होते हैं वहां सद्बुद्धि होती है, वहां अहंकार नहीं होता है। भगवान गीता में कहते हैं 16वें अध्याय में कि जहां मैं होता हूं वहां सारे देवी गुण होते हैं, जहां भगवान नहीं होते वहां देवी गुण नहीं होते हैं। कहने को लोग कहते हैं मैं आई एम अ वेरी गुड पर्सन, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ। आप उनसे पूछिए, वो हर कोई व्यक्ति ये कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, मैं बहुत ही अपने आप मैं बड़ा नेक दिल हूँ, आई एम अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। पर आप उनसे पूछिए आप नॉनवेज खाते हैं क्या? हाँ कभी कभी खा लेते हैं। तो काइंड हार्टेड आप ठीक है, आप सब जीवों के प्रति काइंड हार्टेड नहीं है, इसका मतलब आप सिर्फ मनुष्यों के प्रति, आप अपनी योनि के प्रति काइंड हार्टेड हो सकते हैं कि दूसरे मनुष्य को कष्ट नहीं दे रहे या मार नहीं रहे, वायलेंस नहीं कर रहे। पर भगवान तो सिखाते हैं सब जीवों से प्रेम करो, हर जीव में मैं हूं, हर चीज में मैं हूं, सबसे प्रेम करो, सब जगह मैं हूं। भगवान अर्जुन से कहते हैं मैं सर्वव्यापक रूप में भी हूँ और अपने धाम में भी उपस्थित हूँ, मैं निर्गुण और सर्वगुण दोनों रूप में हूँ। ये सच है कि सगुण रूप में मुझे पाना सरल है, निर्गुण रूप में पाना कठिन है। सर्वव्यापक रूप में आप भगवान को सेवा नहीं दे पाएंगे, सगुण रूप में आप भगवान को सेवा दे सकते हैं, भगवान आपकी सेवा एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए अर्जुन जो है भगवान से ये शिक्षा ग्रहण कर रहा है, कहाँ पर? युद्ध स्थल के, कुरुक्षेत्र के बीच में, धर्म महाभारत के युद्ध के सेंटर में ये उपदेश दिया जा रहा है अर्जुन को। अर्जुन को निमित्त बनाया जा रहा है हम तक ये उपदेश देने के लिए, ये उपदेश हम तक आए। तो जहाँ भगवान होते हैं वहाँ सद्बुद्धि होती है, वहाँ ह्यूमिलिटी होती है, काइंडनेस होती है, ह्यूमिलिटी होती है नम्रता। जहाँ ह्यूमिलिटी होती है वहाँ ईगो नहीं होती है, अहंकार नहीं होता है। अहंकार, हमारा कद 4 फुट 5 फुट होगा पर हमारा अहंकार 20 फुट होगा, हमारा अहंकार बहुत बड़ा है। तभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा त्रिनादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। अपने चित्त का मार्जन करो, अब फिर कहते हैं अपने चित्त का मार्जन करो और फिर क्या करो? त्रिनादपि सुनिचेन, घास के तिनके से भी ज्यादा नम्र बन जाओ। ये बड़ा कठिन है, सरल नहीं है। सबको हाथ जोड़ना, सबसे नम्रता से बात करना, चाहे आपका शत्रु ही हो, शत्रु से भी द्वेष नहीं करना, हेट्रेड नहीं रखना, क्योंकि कलयुग में कहा गया है कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, द्वेष करता है इसीलिए दुखी है। दूसरे से द्वेष नहीं करना है, अपने हृदय को सरल बनाना है। कथा सुनने का एक प्रयोजन होता है कि बार बार अपने आप को याद दिलाना। हर हफ्ते प्रभुपाद ने ये नियम दिया कि कथा में आए तो कथा जो सुन रहे हैं और जो सुना रहे हैं दोनों का हृदय सरल रहे। एक हफ्ते तक अपने आप को याद दिलाना, जो सुना है उसको बार बार रिमेम्बर करना, रिमाइंड कराना अपने आप को। जब हम सिमरन भगवान का करते हैं
तो हम ये रिपीटेशन है भगवान के नाम का, जब बार बार रिपीट करते हैं भगवान का नाम रिपीट करते हैं तो हम कहेंगे रिपीट करने से क्या मिलेगा। भगवान ने कलयुग में अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है, भगवान के दर्शन में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हम भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, हम भगवान के साक्षात लीला का स्मरण कर रहे हैं, उस नाम में सब कुछ है। जितना नाम जपेंगे उतनी ही मन को शांति मिलेगी। ये भगवान गीता में कहते हैं कि जो मुझसे जुड़ जाता है उसको सद्बुद्धि आती है, उसे शांति मिलती है और उसके अंदर ये दैवी गुण स्वतः विकसित होते हैं। सारे दैवी गुण विकसित होते हैं, जो मैंने आपको भी बताया, ये 16वें अध्याय के पहले श्लोक से भगवान कहना आरंभ करते हैं कि तुम्हारे अंदर ये सब गुण आ जाएंगे, तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कई कहते हैं कि हमें प्रयास करना पड़ेगा कि क्रोध ना करें, क्रोध ना करें, किसी को दुख ना दें, दुख ना दें। पर जब आप भगवान का नाम जप करते हैं, जब आप भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान कृपा करते हैं कि ये गुण आपके अंदर स्वतः विकसित हो जाए। फिर आपको ये सोचना नहीं पड़ता मुझे ये करना है, ये आपसे स्पॉन्टेनियसली होता है, वॉलंटरली होता है, अपने आप से होता है। तो कहने का अर्थ है कि युद्ध जो है वो कोई समाधान लेकर नहीं आता है, वो अपने साथ दुख कष्ट लेकर आता है, कष्ट ही कष्ट आते हैं। होता शांति के लिए पर शांति आती नहीं है युद्ध से। सो बिल्ड द ब्रेक द बैरियर्स, बिल्ड ब्रिजेस। ब्रिज बनाने हैं, पुल बनाने हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप करना है, शत्रु को भी शत्रु नहीं समझना है। प्रहलाद महाराज को पॉलिटिक्स सिखाने के लिए, राजनीति सिखाने के लिए भेजा है हिरण्यकश्यप ने दो गुरुओं को, जो उनके संडामार का गुरु हैं, उनको कहा है कि प्रहलाद को राजनीति सिखाओ। राजनीति क्या है? ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। शत्रु से द्वेष करो, मित्रता से, मित्र से प्रेम करो। पर प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, मुझे नहीं सीखना ये सब, मेरे लिए तो कोई शत्रु है ही नहीं, सब मित्र है, सबसे प्रेम है मेरे को, किसी का भी अनहित नहीं चाहता हूँ मैं, सबका हित हो। तभी गुरुवाणी ग्रंथ साहब में भी जब हम अरदास करते हैं तो यही कहते हैं, सर्वदा भला, सबका भला हो, कोई ना रह जाए जिसका भला ना हो, शत्रु का भी भला हो। तो ये इच्छा होती है एक भक्त की, एक वैष्णव की। वैष्णव वो है जिसके हमेशा मन में और जीवा पर भगवान का नाम रहता है, जो हमेशा भगवान के नाम की चर्चा करता है, भगवान के नाम का जप करता है। भगवान गीता में दूसरे अध्याय में कहते हैं, नास्तिर बुद्धि युक्त से नाचा युक्त से भावना ना छावत शांतिर शांत से कुदा सुखम। जिसकी बुद्धि मुझसे नहीं जुड़ी है, ना अस्थि संस्कृत में है, ना अस्थि का अर्थ है नहीं है, बुद्धि युक्त से, जिसकी बुद्धि मुझसे नहीं जुड़ी है, कह रहे उसको शांत सहाय कुदा सुखम, उसको सुख कैसे मिलेगा, और बिना शांति के सुख है ही नहीं। तो भगवान ये कह रहे हैं, प्रभुपाद उसके ट्रांसलेशन में लिखते हैं, वन हु इज नॉट कनेक्टेड विद द सुप्रीम कैन हैव नीदर ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस नॉर अ स्टेडी माइंड विदाउट विच देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस एंड हाउ कैन देर बी एनी हैप्पीनेस विदाउट पीस। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि युद्ध अर्जुन से युद्ध में है, युद्ध स्थल में है। कई लोग झूठ कहते हैं कि अर्जुन को उकसाया भगवान ने युद्ध के लिए, अर्जुन को उकसा नहीं रहे हैं। ये युद्ध क्यों हो रहा है, भगवान ये समझाते हैं कि ये धर्म की स्थापना के लिए हो रहा है। तो धर्म क्या है, जहां भगवान के आदेश का पालन नहीं किया जाता। अधर्म वो जगह है जहां भगवान के आदेश का पालन नहीं होता है, जहां पर आसुरी गुण विकसित रहते हैं। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर अर्जुन से कि जिसकी बुद्धि मुझसे नहीं जुड़ी है, उसकी, यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं इसका अर्थ है जो कृष्ण भावना में नहीं है, जिसकी चेतना में भगवान नहीं है, जिसकी चेतना में, पंजाबी में हम कहें रब नहीं है, जिसकी चेतना में अल्लाह नहीं है, जिसकी चेतना में गॉड नहीं है। सो दिस इज देयर कि जिसकी चेतना में भगवान नहीं है, जिसकी चेतना में कृष्ण नहीं है,
उसकी बुद्धि कभी भी डिवाइन नहीं हो सकती, ट्रांसेंडेंटल नहीं हो सकती। ट्रांसेंडेंटल बुद्धि का अर्थ है जो तीनों गुणों को लांघती है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण को भी। गुरुवाणी कहती है, गुरु नानक देव जी खुद कहते हैं, ना पगवा ना मैला ना तंदला, नानक रंगो लालो लाल है। ना मैला ना तामसिक है, ना तंदला ना रजोगुणी है, ना भगवा ना सतोगुणी है, नानक रंगो लालो लाल है। नानक भगवान के रंग में रंगे हुए हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि जहां पर जिसकी बुद्धि ट्रांसेंडेंटल है, तीनों गुणों को लांघ चुकी है, एंड नीदर, क्योंकि जिसने जो भगवान की चेतना में है उसी की बुद्धि ऐसी हो सकती है और उसी का मन स्थिर हो सकता है। जिसकी बुद्धि भगवान से नहीं जुड़ी है उसकी बुद्धि ना ट्रांसेंडेंटल होती है, ना स्थिर बुद्धि, ना स्थिर मन होता है, ना उसकी बुद्धि है जो लांघ चुकी है तीनों गुणों को, और ना ही उसका मन स्थिर है, उसका मन विचलित रहता है जिसकी बुद्धि भगवान से नहीं जुड़ी है। तो भगवान खुद कह रहे हैं, ना स्थिर बुद्धि युक्तस्य ना चा युक्तस्य भावना ना चा भवत शांतिर। फिर कहते हैं कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस विदाउट विच देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पीस। जिसका मन स्थिर नहीं है उसको शांति मिल नहीं सकती है, और बिना शांति के सुख कैसा, बिना शांति के सुख हो ही नहीं सकता। हम सुख ढूंढते हैं भौतिक चीजों में, एक गाड़ी ले लेंगे तो सुख आ जाएगा, जिसके पास गाड़ी नहीं वो सोचता गाड़ी ले लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। गाड़ी आ जाती है तो अब मन करता है एक इच्छा पूरी होगी, अब दूसरी इच्छा पूरी हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा। अब बड़ा घर नहीं है, थोड़ा बड़ा घर हो जाए, अब बड़ी गाड़ी हो जाए, अब ये हो जाए, अब वो हो जाए, और मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा होगा ही नहीं। ऐसे करते करते काल आ जाएगा, भगवान भूले रहेंगे। जब हम ऐसे लक्ष्यों के पीछे भागते हैं तो भगवान भूल जाते हैं, जब भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं तो भगवान याद नहीं रहते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है वो स्थिर नहीं हो रही है, बुद्धि में भगवान नहीं रह रहे हैं और मन स्थिर नहीं हो रहा है, मन विचलित है क्योंकि वो भौतिक चीजों के पीछे भाग रहा है। तो मन को स्थिर करना, भगवान कहते हैं जो मुझसे जुड़ जाता है उसका मन स्थिर हो जाता है। और भगवान से कैसे जुड़ते हैं, मंत्र के द्वारा। जब मंत्र के द्वारा जुड़ते हैं तो मन शांत होता है। मंत्र है मन को नियंत्रण में करने वाला, मन को शांत करने वाला, क्योंकि मन में तो अग्नि लगी हुई है, प्रज्वलित है अग्नि, तृष्णा की अग्नि है, तृष्णाएं तृष्णाएं हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, बस यही सोचता रहता है मन, शांत नहीं होता है मन। ये नहीं शांत होता मेरे पास वो सब है जो देखो कितने करोड़ों के पास है भी नहीं है। तो जब हम अपने मन को भगवान से जोड़ते हैं तो भगवान हमारे मन में जो अग्नि है उसको शांत करते हैं, तृष्णा की अग्नि को शांत करते हैं। तृष्णा की अग्नि शांत होती है सिर्फ भगवान के चरण कमलों द्वारा। और भगवान कब आते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तभी भगवान कह रहे हैं, तृणादपि सुनिचैन तरुरपि सहेक्षणा अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। घास के तिनके से भी ज्यादा नम्र है जो, घास पर हम पाँव रख के चलते हैं और घास फिर सीधा खड़ा हो जाता है, घास कंप्लेन नहीं करता है। फिर कह रहे हैं जो पेड़ से भी ज्यादा सहनशील है, पेड़ सबको देता है, छाया देता है, फल देता है, पक्षियों को रहने का स्थान देता है, सब पर कृपा करता है, धूप और धूप में छांव में खड़ा रहता है, बारिश में खड़ा रहता है। फिर कह रहे हैं कि तृणादपि सुनिचैन तरुरपि सहिंशना अमानी न मान देना, दूसरों को मान देना और अपने लिए सम्मान की इच्छा नहीं रखना, हमेशा दूसरों को मान इज्जत देना। कहते हैं जब शत्रु भी आपके घर आए तो उसको पहले कुछ खाने के लिए पूछिए, इतना नहीं कर सकते तो पीने के लिए पानी दीजिए, इतना भी नहीं कर सकते तो बैठने के लिए एक आसन दीजिए, कुछ तो उसकी सेवा कीजिए, वो आपके घर आया है। तो इसलिए उस समय शत्रु तक समाप्त हो जाती है।
यहाँ तक कि जब विभीषण है, विभीषण ने राम जी की सहायता की है, सहयोग दिया है राम जी को सीता को लाने में, और विभीषण को भगवान कहते हैं, जब रावण का वध हो गया है तो भगवान कहते हैं कि अब रावण का अंतिम संस्कार तुम करो, तुम ही उसके कुल के रह गए हो। तो विभीषण कहता है मैं नहीं छूना चाहता अपने भाई को, मैं मुझे द्वेष है, नफरत है इनसे, इन्होंने रावण के बारे में वो इतना कुछ बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं, जब मृत्यु हो जाती है सब शत्रुता समाप्त हो जाती है, फिर वही है जो तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हें वो करना है, और वही विभीषण ने किया। तो भगवान समझाते हैं कि सब शत्रुता समाप्त हो जाती है जहां शत्रु की मृत्यु हो जाती है, पर जीवित ही शत्रु से शत्रुता कार्य से घिन है, पर कहा है ना कि पाप से घिनता करो, घिन करो पर पापी से नहीं। हेट द सिन नॉट द सिनर। जब जीसस क्राइस्ट को चढ़ाया जा रहा है, क्रूसीफाई किया जा रहा है, तो जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, भगवान से प्रार्थना की है कि आप इन्हें माफ कर दो जो ये सब कुछ कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दो क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सो अहंकार वश व्यक्ति भूल जाता है, उसकी आंखों के आगे क्रोध में पट्टी बंध जाती है, वो नहीं देख पाता वो क्या कर रहा है। तो यही जीसस क्राइस्ट ने कहा, भगवान से प्रार्थना की इन्हें माफ कर दो, क्षमा कर दो इनको। तो कितनी बड़ी बात है कि जब शत्रु के लिए क्षमा मांगी जा रही है कि शत्रु को क्षमा कर दो, ये केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान से जुड़ा है, जो भगवान को रात दिन याद करता है। गुरु अर्जन देव जी पांचवे गुरु हैं सिखों में, उन्हें तपती हुई तवी पर बिठाया गया है, तपते हुए तवे पर बिठाया गया है और सर में गर्म रेत डाली जा रही है, और मियां मीर उनके एक मित्र हैं जिन्होंने दरबार साहब जो गोल्डन टेंपल है उसकी नींव रखी है, मियां मीर है, वो मुस्लिम है, और मुगल ही अत्याचार कर रहे हैं, जहांगीर के लोग हैं जो अत्याचार कर रहे हैं गुरु अर्जन देव जी पर वो ऐसे वैष्णव हैं कि जैसे ही मियां मीर कहते हैं कि मैं जाकर बात करता हूँ, क्रोध में कहते हैं कि मैं मुगलों से बात करता हूँ कि वो आपको ऐसे कैसे कष्ट दे सकते हैं, वो कैसे आप पर इतने अत्याचार कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं गुरु अर्जन देव जी, कहते हैं मियां मीर तुम में इतना क्रोध कहाँ से आ गया, तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम में इतना क्रोध क्यों आ गया। उन्होंने कहा ये भगवान का है दिया हुआ जो मुझे मिल रहा है, और साथ में कहा तेरा पाना मीठा लागे, ये कहा कि जो भगवान करते हैं अच्छा ही करते हैं, गरम रेत पड़ रही है, गरम तवे पर बैठे हैं, और तब भी भगवान से अपने शत्रु के लिए बुरा नहीं मांग रहे हैं। तो यहीं से हमें सीखना पड़ता है बार बार कि हम प्यार देना है हमें, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट लव। यही श्रील प्रभुपाद ने किया, प्रभुपाद ने पूरे विश्व को एक परिवार बना दिया, वासुदेव है कुटुंबकम, यह असली यथार्थ रूप प्रभुपाद ने दिया। श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व को एक ही धागे में पिरो दिया। इस्कॉन में इस टाइम अगर आप मायापुर जाएंगे तो आपको कौन कौन मिलेंगे, कहाँ कहाँ के लोग मिलेंगे, पूरे विश्व के लोग मिलेंगे। वृंदावन जाएंगे आपको पूरे विश्व के लोग मिलेंगे। सो कहने का अर्थ है कि हर स्थान पर प्रभुपाद के जो मंदिर हैं वो ऐसे हैं कि इस पृथ्वी पर होते हुए भी वो वैकुंठ है, जहाँ सिर्फ प्रेम होती है, जहाँ सिर्फ दूसरों को देने की चर्चा होती है। तो भगवान का नाम बांटना, भगवान का नाम दूसरों को देना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। वैष्णव वही हैं जो भगवान का नाम सब जगह बांटते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा यार को, और ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने कहा कि जगह जगह जाओ, आप दृढ़ो अवरो नाम, खुद नाम जपो और दूसरों से जपाओ। यही भगवान का संदेश है कि हम सबको भगवान के नाम की चर्चा सब में बांटे,
सबको भगवान का नाम दें, इसी से सुख और शांति आएगी। जब शांति आएगी तो सुख आएगा, असली सुख आएगा। हम सत्य नहीं होता है, ऐसा आनंद चाहिए। तो हमें वो आनंद कहाँ मिलता है? केवल भगवान के चरण कमलों में। और जब तक मन स्थिर नहीं होता है, ये आनंद प्राप्त नहीं होता है। और अहंकार एक है जो हमारे लिए बहुत ही ऐसा है जो हमें अगला जन्म दिलाएगा। जब तक अहंकार से छुटकारा नहीं पाएंगे, हमारे पास आप जानते हैं कि दो देह हैं, हमारी आत्मा दो देह में फंसी है, एक सूक्ष्म एक स्थूल। स्थूल तो दिखता है आंखों से, सूक्ष्म नहीं दिखता है। पांच तत्वों से स्थूल शरीर बना है, पर तीन से सूक्ष्म बना है, मन बुद्धि अहंकार और मन माइंड। मन विचलित रहता है, शांत नहीं रहता है, ये सूक्ष्म शरीर को फंसा के रखा है इसने अपने अंदर। बुद्धि मन के ऊपर है, बुद्धि भगवान कहते हैं, और बुद्धि के ऊपर है आत्मा। हम मन के लिए, भगवान कहते हैं मन के पीछे मत भागो। कई कहते हैं वो, मैं मन के पीछे नहीं भागता, आई ट्रस्ट माई इंटेलिजेंस, मैं अपनी बुद्धि पर विश्वास रखता हूँ। भगवान कहते हैं ये भी फेल है, क्योंकि मन के ऊपर है बुद्धि, पर बुद्धि के ऊपर आत्मा है। बुद्धि के ऊपर भी कुछ है, वो है आत्मा। जो आत्मा के लिए कार्य नहीं करता है, वो कभी सक्सेस नहीं पाएगा। वो स्थूल शरीर से पालेगा छुटकारा, पर सूक्ष्म से छुटकारा नहीं पाएगा। तो आत्मा के लिए जो कार्य करता है, उसका अहंकार मारा जाता है। क्योंकि जो स्थूल शरीर है, उसने तो अपने आप मरना है, वो तो हर पल मर रहा है। अभी भी हम बैठे हैं यहाँ, जो हमारा शरीर एक सेकंड पहले था, वो एक सेकंड खो चुका है, वो एक सेकंड मर गया है उसका। वो एक एक सेकंड, एक एक पल मरता जा रहा है। पर सूक्ष्म शरीर में आत्मा कैद है, स्थूल से तो छूट जाएगी, पर सूक्ष्म से कैसे छुड़ाएंगे? जब तक आत्मा छूटती नहीं है, अपने घर वापिस नहीं जाती है। हमारा घर है भगवत धाम, भगवान का धाम। तो हमें भगवत धाम लौटना है, पर कैसे लौटेंगे? जब सूक्ष्म शरीर से छुटकारा पा लेंगे। तो मन बुद्धि अहंकार से बना है सूक्ष्म शरीर, मिथ्या अहंकार से बना है। ये तीनों कैसे, ये अपने आप नहीं मरते हैं, इनको मारना पड़ता है, इनको मारना पड़ेगा। और कैसे मारेंगे इनको? सिर्फ भगवान के शरणागत होकर। मन भगवान को दे देंगे, बुद्धि भगवान की सेवा में लग जाएगी, मिथ्या अहंकार नम्रता में तब्दील हो जाएगा। तभी प्रभुपाद कहते हैं, ट्रांसफॉर्म योर लस्ट इनटू लव फॉर कृष्णा। जो आपके अंदर तृष्णाएं हैं, जो आपके अंदर इतनी सारी डिजायर्स हैं, उनको भगवान के प्रेम में तब्दील कर दो, कन्वर्ट कर दो। तो भगवान के प्रेम में कन्वर्ट कैसे होगा? जब भक्तों के संग में बैठेंगे, जब भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे। सिंपल। तो इसलिए प्रहलाद महाराज भी कहते हैं अब कि मुझे राजनीति नहीं सीखनी है, मुझे भगवान चाहिए। कहते हैं, बाबा मैं न छोड़ू राम नाम, मेरी अब पटियां लिखते हो श्री गोपाल। मैं राम का नाम तो छोड़ूंगा ही नहीं, गोपाल का नाम भी नहीं छोड़ना मुझे। मुझे सिर्फ यही अच्छा लगता है, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का गान। और वो 7 साल का बालक यही गाते गाते, भगवान का कीर्तन ही करते करते, दृढ़ता से कीर्तन करते हुए अपने आसुरी पिता को भी परम गति दिला दी। हिरण्यकश्यप की परम गति हो गई है, एक आसुरी है, आसुरी व्यक्ति है, पर उसकी परम गति हो गई है। तो इसलिए भक्त बनना बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए, कि हम भगवत धाम लौटना चाहते हैं। तो भक्ति जो है, वो भगवान ने हमारे लिए कलयुग के अंदर बड़ी सरल कर दी है, सिर्फ नाम में ही डाल दी है। नाम के जप से ही हम भगवत धाम लौट जाएंगे। तो के आज का जो शीर्षक है, उसमें वापस आते हैं कि युद्ध से कुछ नहीं मिलता है। और हम सबके पास अपना अपना एक युद्ध स्थल भी है, हम सबके पास अपना अपना कुरुक्षेत्र है।
और उसी में हम स्ट्रेस, जिसको स्ट्रेस कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, क्रोध कहते हैं, ये सब हमारे अंदर उत्पन्न होता रहता है. ये हमारे युद्ध स्थल में है. हमारे आसुरी गुण जो है ये हमारे अंदर जो है हमेशा युद्ध में रहते हैं दैवी गुणों के साथ. अब जानते हैं कि सतयुग में भगवान के को सब भक्त थे, आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति थे ही नहीं. त्रेता युग आया तो भगवान और भगवान के जो अभक्त हैं वो सागर की दूरी पे थे, रावण और राम. बीच में सागर है इतना बड़ा. द्वापर युग आया तो कम दूरी कम हो गई. भगवान गोकुल में है और कंस मथुरा में है, दूरी कम हो रही है. कलयुग आया तो एक ही जीव के अंदर दोनों आ गए, राम भी यही है और रावण भी यही है. अब हमारे ऊपर है कि हम राम वाले गुण चाहते हैं कि रावण वाले चाहते हैं. तब दूरी खत्म हो गई कलयुग के अंदर, तभी भगवान ने सरल कर दिया. भगवान को कैसे पाया जाएगा? केवल नाम आधारा. कली केवल नाम आधारा. कलयुग में सिर्फ नाम से ही हम ये युद्ध जीत जाएंगे. भगवान का नाम, हर मजहब में भगवान के नाम की महिमा का गुणगान हुआ है. हम भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हम ये जपते हैं. वाहेगुरु जपते हैं. वह विष्णु ह हरि ग गोविंद र राम, चारों अक्षर एक कर एक जप मंत्र बनाया वाहेगुरु. वह विष्णु ह हरि ग गोविंद र राम, ये चार अक्षर हैं वाहेगुरु में और चारों का मतलब ये है. वह विष्णु ह हरि ग गोविंद र राम. महिमा कही गई कि नाम का जप करो तो नाम से ही भगवान मिल जाएंगे. तो हम, हमारा जो कुरुक्षेत्र है वहाँ अनेक ही आसुरी गुण पनप रहे हैं. रूप गोस्वामी एक संत है, वो कहते हैं कि अधो श्रद्धा तदो साधु संग तदो भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति. ये अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, ये सब अनर्थ है. तो इन अनर्थों से कैसे मुक्ति पाओगे? ये कैसे मुक्त होंगे इनसे? जब तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी श्रद्धा हो भगवान के लिए तो क्या होगा? भगवान कृपा करेंगे तुम पर. अधो श्रद्धा तदो साधु संग, साधु का संग देंगे, साधना करने वालों का संग देंगे आपको. तो साधना करने वालों का संग का अर्थ है जो नाम जपते हैं, जो भगवान का चिंतन करते हैं. अधो श्रद्धा तदो साधु संग तद भजन क्रिया, फिर आप खुद भजन क्रिया शुरू करते हैं, आप खुद भगवान का नाम जपना शुरू करते हैं. और फिर क्या होगा? फिर वो रिजल्ट मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं, अनर्था निवृत्ति. इन सब अनर्थों से निवृत्त हो जाओगे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से निवृत्त हो जाओगे. और फिर भगवान से, भगवान की चर्चा में, भगवान के नाम में इंटरेस्ट आएगा, फिर उस नाम से आसक्ति होगी, उसमें रुचि आएगी और फिर भगवान का प्रेम मिल जाएगा, कृष्ण की कृपा हो जाएगी. तो पर अपनी श्रद्धा को वहाँ तक ले जाने के लिए ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जाना पड़ेगा. हम सोचते हैं शॉर्टकट मिल जाए, कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो बस यूं ही दीक्षा दे और फटाक से हमें सब कुछ मिल जाए जो हम ढूंढ रहे हैं. ऐसा होगा ही नहीं. जो शॉर्टकट ढूंढते हैं उनको ऐसे पाखंडी गुरु मिल जाते हैं, क्योंकि तपस्या के बिना भगवान नहीं मिलते हैं. नाम भी जपना है तो तपस्या तो करनी है, ये कलयुग की तपस्या है. तो नाम जपने के लिए कहा गया है कि भक्तों के संग में आना पड़ेगा. गुरबाणी भी यही कहती है, बिन पांका सत्संग न लबीजे, बिन सत्संग मैल परिजे जियो. बिना भाग्य के सत्संग नहीं मिलता है और बिना सत्संग के मैल भरती चली जाएगी. घर बैठे रहेंगे तो सत्संग नहीं होता है, भक्तों का संग जरूरी है. गुरवाणी कहती है, वही प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज कीते ना काम, मिल साध संगत बज केवल नाम. कहते हैं कि मनुष्य देह मिली है तुम्हें, अब भगवान को मिलने की बारी है.
जो इतनी योनियां काटी थी 84 लाख योनियों की कीमत देकर अब मनुष्य दे पाई है। अब ये मनुष्य दे इसलिए नहीं पाई कि व्यर्थ के हम बातों में फंसे रहे, ये मनुष्य दे पाई है। अब गोविंद को मिलने की बारी है, अब भगवान को मिलने की बारी है, अब वो शांति जो हम ढूंढ रहे थे उस आनंद को, उस शांति को मिलने की बारी है। अब दुनिया में कहीं चले जाओ, किसी से भी पूछो क्या चाहिए, तो सब ये कहते हैं सुख और शांति चाहिए, सबको सुख और शांति चाहिए। पर ढूंढने का रास्ता क्या है, वो सोच रहे हैं युद्ध से सुख और शांति मिल जाएगी। युद्ध से सुख और शांति नहीं मिलने वाली है। इतने सारे युद्ध हो गए, World War I, World War II हो गया, इतने युद्ध हो चले, कहाँ किसी को शांति मिली है? किसी को शांति नहीं मिली, उल्टा युद्ध डिस्ट्रक्शन लेकर आया, इतनी सारी हानि लेकर आया, इतने सारे लोगों का वध लेकर आया, इतने सारे दुखों को लेकर आया। औरतें जो हैं वो विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तो ये समाधान है ही नहीं। वॉर इज नेवर द सोल्यूशन। जो पीस लानी है, पीस कैसे ऑब्टेन होती है? ओनली बाय सरेंडरिंग टू गॉड। भगवान के चरण कमलों को शरणागत देते हुए, भगवान की चर्चा करते हुए, भगवान की वाणी को। प्रभुपाद ने युद्ध के बगैर ही जीत लिया पूरा विश्व, पूरा विश्व जीत लिया प्रभुपाद ने। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर भगवान के नाम की चर्चा नहीं हो रही इस समय। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां भगवान के नाम का गुणगान नहीं हो रहा है। ये है असली जीतना। जब हम दिलों को जीत लेते हैं तो व्यक्ति अपने आप ही शरणागत हो जाता है। प्रभुपाद ने ऐसे ही सबके दिलों को जीत लिया। और कैसे जीता? सिर्फ एक हरि नाम से, भगवान के कीर्तन से ही जीत लिया। तो जो भगवान कहते हैं कि ये मेरा कुटुंब है, सारा विश्व मेरा कुटुंब है, उसको यथार्थ किया प्रभुपाद ने। तो कह रहे हैं कि भई प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की है तेरी परिया, अमर काज कीते ना का, और जो काम किए थे वो काम नहीं आने वाले। जो धन इकट्ठा किया था, जो वैभव इकट्ठा किया था, जो घर बनाया था, जो फैक्ट्री बनाई थी, वो अंत समय में कोई काम नहीं आने वाला। जो रिश्तेदार इतने खड़े किए, जो दोस्त इतने बनाए थे, वो कहीं काम नहीं आने वाले। परिवार को सिर्फ, कल ग्रंथ साहिब में से मैं सुन रही थी एक शब्द, परिवार को सिर्फ सोना रूपा, सिर्फ धन और रुपया चाहिए, सोना और रूप चाहिए, पैसा चाहिए। दोस्तों को सिर्फ खाना पीना चाहिए, पर इसमें भगवान मिलते ही नहीं। इन दोनों में ही फंसे रहेंगे, पूरा समय निकल जाएगा और यमराज आ जाएगा, यम की फांसी मिल जाएगी इन दोनों में फंसे रहे तो। इसलिए परिवार को एज ए ड्यूटी रखना है, ये नहीं कि परिवार छोड़ देंगे, उनका ख्याल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जो भक्त बन जाते हैं वो अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखते हैं, क्योंकि भगवान साथ में है। वो सोने और रुपए में नहीं फंसते हैं, वो अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उनकी। मित्रों में भी भगवान की चर्चा करते हैं। असली मित्र रह जाएंगे, जो बनावटी मित्र हैं छूट जाएंगे। जो भगवान की चर्चा में सहयोग देना चाहते हैं वो साथ रह जाएंगे, जो नहीं देना चाहते वो छूट जाएंगे। तो भगवान अपने आप ही फिल्टर प्लांट लगा दिया भगवान ने, सब फिल्ट्रेशन हो जाएगी। तो इसलिए अंत समय की चेतना बड़ी आवश्यक है। अंत काल जो आने वाला है वो बहुत ही, उसकी तैयारी बहुत अहम है। तभी कहा कि फिर अब मनुष्य देह मिली, अब गोविंद को मिलने की बारी है। तो कैसे मिलेंगे? वही प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज कीते ना काम, मिल साध संगत बज केवल नाम। मिल साध संगत, ऐसे साधु, ऐसे साधना करने, भक्तों के संग में बैठकर नाम बजना है। तो प्रभुपाद के शरणागत होकर, ऐसे गुरु के शरणागत होकर नाम बजना है। तो जब हम नाम भजन करते हैं, नाम को भजते हैं, तो ये गुण स्वतः आ जाएंगे जो दैवी गुण है, और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, अंत समय में भगवान भी मिल जाएंगे। क्योंकि भगवान की कृपा से ही अंतिम क्षण में भगवान याद कराएंगे हमें।
भगवान का नाम जीवा बनाना चाहिए। तो इसलिए सुख और शांति जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो युद्ध से नहीं मिलती है। युद्ध से केवल क्या आएगा, सिर्फ पीड़ा और कष्ट आएगा। भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करना है, मेरे तक आना है, मेरे धाम आना, यही तुम्हारा असली लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का असली लक्ष्य यही होना चाहिए। हमें भगवत धाम लौटना है। हमारा जीवन जो है किस लिए मिला है, कि हम भगवत धाम लौटे। तो आज जैसे आप सबने अभी सुना कि ईश्वरपुरी जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं, उनका भी आज तिरुभाव है। तो साधु संतों महात्माओं का तिरुभाव और आविर्भाव एक समान होता है। दोनों को खुशी और उल्लास से मनाया जाता है। आप कहेंगे किसी के मरने पर भी हम खुशी मनाएं, उल्लास करें, पर साधु संतों के जाना और आना दोनों दिव्यमय, जैसे भगवान का है। वो हमारे लिए आते हैं, उनको आने की आवश्यकता नहीं है, पर वो हम तक इस ज्ञान को देने के लिए आते हैं। तो माधविंदरपुरी के शिष्य हैं ईश्वरपुरी। श्रीनाथ जी का मंदिर आप जानते हैं, गोपाल जो डेटीज हैं वहाँ के, श्रीनाथ जी हैं वो माधविंदरपुरी के डेटीज हैं, और माधविंदरपुरी जी के जो शिष्य हैं वो ईश्वरपुरी हैं। ईश्वरपुरी मिले हैं चैतन्य महाप्रभु को कहाँ, गया में। चैतन्य महाप्रभु गया गए हैं, वहाँ पर श्राद्ध हो रहे हैं, पिंडदान हो रहा है, तो वहाँ वो मिलते हैं, दर्शन करते हैं ईश्वरपुरी के, उनके चरण कमलों में निवेदन करते हैं कि आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो गोपाल दीक्षा लेते हैं वो उनसे, और कहते हैं कि हजारों पिंड दान करने से, गुरु के चरणों में प्रणाम करने से, गुरु से दीक्षा लेने में ही वो फल प्राप्त हो जाता है जो हजारों बार पिंड दान करने से मिलता है। तो इसलिए गुरु के शरणागत होकर जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, जब हम भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो हमें वो सब प्राप्त हो जाता है। कहा गया नौ निधियाँ सिद्धियाँ, रिद्धियाँ सिद्धियाँ, जो भी है सब प्राप्त हो जाता है गुरु के शरणागत होते ही, गुरु के अनुसार चलते ही, गुरु के कहे अनुसार जीवन को जीते ही। और गुरु कैसा हो ये भी शास्त्र बताते हैं, सिर्फ कोई गहरे वस्त्र पहने वो गुरु नहीं बन जाता। गुरु जिसने अपने सब इंद्रियों को वश में किया है, जिसने अपने क्रोध अहंकार को वश में किया है, पानी पियो छान कर गुरु करो जान कर। और फिर कहा है कि गुरु साधु शास्त्र, ये सब इज इक्वल टू होना चाहिए, तब आप सही रास्ते पर हैं। चेक एंड बैलेंस है ये, अपने आप को आप जान सकते हैं कि मैं सही रास्ते पर हूं कि नहीं हूं। जहां से मुझे ये शिक्षा मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, वो जेन्युइन है कि नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने इसका भी निवारण दिया। उन्होंने कहा कि जब गुरु से सुन रहे हो, साधु से पूछा है और शास्त्र में खुद पढ़ा है, जब तीनों एक ही लाइन में है तो आप सही रास्ते पर हो। तो इसलिए आप सही रास्ते पर हो ये जानकर उस रास्ते को पकड़ के रखना चाहिए। शॉप विंडो शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। हम अक्सर करते हैं कि एक स्थान पे जाते हैं, फिर दूसरे पे जाते हैं, फिर तीसरे पे जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये भी सुन लो, वो भी सुन लो, ये भी कर लो, तो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि हमसे फिर वो नाम जप नहीं होता है। जब एक ही स्थान पे समझ गए कि सही स्थान है, तो उसी को पकड़ के, उसी रास्ते को पकड़ के रखना चाहिए, तो हम कभी भटकेंगे नहीं। तो इसलिए गुरु साधु शास्त्र तीनों का आपको शास्त्रों में खुद पढ़ना चाहिए। यही श्रील प्रभुपाद ने कहा कि अपने पंडित खुद बनो, खुद पढ़ो शास्त्रों को, भगवद गीता को खुद समझने का प्रयास करो, भगवान के नाम का जप करो। तभी प्रभुपाद ने भगवद गीता और भागवतम रोज सुबह और शाम मंदिरों में कहा गया कि पढ़ी जाएगी, आप सब सुनेंगे उसको। तो पढ़ने और सुनने से हमारी इंद्रियां वश में आती हैं, हमें भक्तों का संग मिलता है। तो ये श्रील प्रभुपाद इस समय भी हमारे बीच है, क्योंकि हम उन्हीं की वाणी को दोहरा रहे हैं। भगवान हमारे बीच है, क्योंकि हम भगवान के श्लोकों को दोहरा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। भगवान के नाम, भगवान के श्लोक कोई अंतर नहीं है, भगवद गीता और भगवान में कोई अंतर नहीं है।
भगवत गीता भगवत भागवत गीत है, ये भगवान के द्वारा गाया हुआ एक गीत है। तो इसलिए ईश्वरपुरी ने से दीक्षा लेकर चैतन्य महाप्रभु ने ये दिखाया, चैतन्य महाप्रभु युगल रूप है भगवान राधा रानी और भगवान का, पर फिर भी गुरु धारण करके वो ये दिखाते हैं जब इस धरा पतल पे आते हैं कि गुरु की अति आवश्यकता है जब हम इस संसार में आए, बिना गुरु के परम गति नहीं होने वाली। तो गुरुमुख कहते हैं गुरुमुख को सब कुछ मिल जाएगा, मनमुख को सब गवा देगा, ये गुरबाणी भी कहती है कि जो गुरु के मुख को देखकर चलता है वो गुरुमुख है, और जो मनमुख जो अपने मन से चलता है, जिसका मन तो वैसे ही विचलित हुआ रहता है, जो मन से चलता है वो सब कुछ गवा कर जाएगा। वो अंतिम घड़ी की तैयारी नहीं कर रहा है, वो मन के पीछे भाग रहा है। अंतिम घड़ी की तैयारी सिर्फ गुरु करवाते हैं, तो अंतिम घड़ी में भगवान का नाम जीवा पर आना अति आवश्यक है। तो आज के इस टॉपिक पे किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 2 बजने वाले हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं मेरे से, एनी क्वेश्चन। तो जिस युद्ध बाद में कोई नहीं पूछेगा, जिसको क्वेश्चन पूछना है अभी पूछेगा क्योंकि प्रश्न पूछना अच्छा है, उससे रहता है कि आप सजग थे पूरे लेक्चर में, एंड प्लस आपका भी उद्धार होता है और मेरा भी उद्धार होता है, क्योंकि ये व्यास आसन है, ये व्यास देव जी की गद्दी है जो मुझे भी सहयोग देती है बोलने के लिए। तो मुझे मेरा भी उद्धार होता है और आपका भी होता है जब मैं प्रश्न का उत्तर देती हूँ। हाँ जी माता जी, जो आजकल स्थिति है हमारे भारत और पाकिस्तान की, मेन बात ये कि जब वो बुरा कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? हाँ, ये तो एक डिफरेंट इश्यू है कि जब पेट्रियाटिज्म यहाँ पर जहाँ अटैक होता है वहाँ तो जवाब देना ही है, वो तो देशभक्ति है ही, पर कहा गया है कि जहाँ सुलह सफाई से बात हो सके वहाँ पहला प्रयास वही रहना चाहिए और नफरत नहीं होनी चाहिए। अब पाकिस्तान में हमारे भी भक्त रहते हैं, इस्कॉन मंदिर भी है, डिवोटीज भी हैं, वहाँ भी प्रचार हो रहा है। तो कहने का अर्थ हमें हेट द सिन नॉट द सिनर, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं हम टेररिज्म को हेट करते हैं, बट वी डोंट हेट द पाकिस्तानीज, वी हेट द सिन। तो हम इंडिया में वो हमारे, हम ना वहाँ के सैनिकों से नफरत करते हैं ना वो हमारे सैनिकों से नफरत करें, जो बीच में अड़चन है उसको ख़त्म करना चाहिए क्योंकि उसका कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, कितने ही लोग मारे जाएंगे। भगवान ने यही समझाया है कि अर्जुन से तो ईगो से ही युद्ध होते हैं, ईगो है तो युद्ध हो रहा है, तो हम ईगो के पीछे भागते हैं, अहंकार के पीछे। तो अभी की जो सिनेरियो है हम वो पॉलिटिक्स में ना जाकर हम उसको स्पिरिचुअल में ही रखेंगे, कि क्योंकि हर व्यक्ति का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, पर हम तो भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है इसमें। हम तो यही कह रहे हैं कि हम अपने, मैं तो वो एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ जो युद्ध हो चुके हैं। अब मुगलों से युद्ध हुआ है, कितना अत्याचार मुगलों के टाइम में हुआ ब्राह्मणों पर। गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु हैं, जैसे मैं सिख परिवार से हूँ, मैंने किताब भी लिखी है वैष्णव टीचिंग्स इन सिखिज्म जो पूरे विश्व में है इस समय। तो मैं कह रही हूँ कि युद्ध हो रहा है तो गुरु तेग बहादुर जी के पास कश्मीरी पंडित आए हैं कि हमारे पर बहुत अत्याचार हो रहा है, औरंगजेब जो है बहुत अत्याचार कर रहा है हम पर। औरंगजेब खाता नहीं था जब तक ब्राह्मणों के खून से भिगोए हुए जनऊ उसके मेज पर नहीं आते थे। तो इसमें ये उकसाने की बात नहीं है कि हम मुसलमान बुरे नहीं होते हैं, एक औरंगजेब बुरा था। अब मियाँ मीर भी मुसलमान है जिसने दरबार साहब की नींव रखी है, वो भी मुसलमान है। तो गुरुओं ने ये दिखाया कि जो करने, जो बुराई कर रहा है बुराई से नफरत करो। तो उन्होंने, जब कश्मीरी पंडित आए हैं तो गुरु तेग बहादुर जी के पास, तो उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि हम इस्लाम कबूल कर लें। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि तुम उसको बोलो कि अगर वो मेरे को मुसलमान बना लेगा औरंगजेब, तो तुम सब मुसलमान बन जाओगे।
तब औरंगजेब ने सोचा ये तो सरल है, एक व्यक्ति को टॉर्चर करके अत्याचार करके बनाया जा सकता है। गुरु तेग बहादुर जी के लिए उनके खुद के बेटे गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, उस समय 9 साल के थे, वहीं खड़े हैं और वो कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी ने कहा अब समय आ गया है किसी को अपनी शहादत अपने सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं आपसे बड़ा कौन हो सकता है। और उन्होंने फिर कहा कि औरंगजेब को, औरंगजेब ने उनको पकड़ लिया और उनको बंद कर दिया जेल में, और ये जो आशीषगंज गुरुद्वारा है यहाँ पर उनका शीश काटा गया था। तो पर वो जीत नहीं पाया औरंगजेब, उनको मुसलमान नहीं बना पाया वो। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमान बुरा है या इस्लाम बुरा है, सिर्फ उस व्यक्ति के जो अहंकार था उसको, उसके आगे वो झुके नहीं। और जब उनका सिर खलम हो गया है, अब उसका अत्याचार बंद हो, ये ब्राह्मणों पे अत्याचार बंद हो गया, और तब गुरु गोविंद सिंह जी के साथ फिर युद्ध हो रहा है। जब गुरु गोविंद सिंह जी के साथ युद्ध हुआ है तो आप हैरान हो जाएंगे कि भाई गनैया जी थे गुरु गोविंद सिंह जी के एक शिष्य। जैसे मैंने बताया कि महाभारत का युद्ध भी शाम के समय सूर्य अस्त के समय बंद हो जाता था, ऐसे ही सूर्य अस्त के समय वो युद्ध भी बंद हो जाता था, रोक दिया जाता था, फिर सुबह दिन चढ़ता था, फिर युद्ध होता था। तो भाई गनैया जी थे जो गुरु गोविंद सिंह जी के एक शिष्य, वो युद्ध स्थल पर शाम के समय जाते थे और जितने पीड़ित होते थे, जो करहा रहे होते थे दर्द में, पानी पानी मांग रहे होते थे, मरने वाले होते थे, उन सबको पानी पिलाते थे। ये नहीं देखते थे कि ये दुश्मन की फौज का है या ये हमारी फौज का है। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो सिख थे, जो उस फौज के सिख थे, खालसा थे, वो उनके पास आकर शिकायत करते हैं कि कैसा है भाई कन्हैया, ये भाई, उनका नाम भाई कन्हैया है। तो कहते हैं कैसा है ये भाई कन्हैया, ये सबको जल पिलाता है, ये भी नहीं देखता वो दुश्मन है जिसको हम सुबह मार कर आए हैं, उसको भी जल देकर ठीक कर देता है, ये पिला देता है, मरने नहीं देता उसको। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा अच्छा वो ऐसा करता है, उसको मेरे कक्ष में भेजो, मेरे कमरे में भेजो। उनके कमरे में आते हैं भाई कन्हैया, बाकी सब सिखों को वो बाहर कर देते हैं। भाई कन्हैया जी को कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम दुश्मन और अपने लोगों में फ़र्क नहीं करते, सबको जल पिला देते हो। वो इतनी बड़ी मशक लेके जाते थे, पानी की मशक होती थी, उसके अंदर पानी भर के सबको जल पिलाते जाते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे करते हो। तो उन्होंने क्या कहा, उत्तर दिया भाई कन्हैया जी ने, मुझे सब में भगवान और आप दिखते हो, मैं क्या करूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं लगता, वो सब में आप और भगवान रब दिख रहा होता है, मैं तो सबको जल पिलाता हूँ। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको गले से लगा लिया और कहा कि तुम ही मेरे सच्चे सिख हो, आगे से तुमने जल ही नहीं मरम पट्टी भी करनी है, चाहे वो अपने हों चाहे शत्रु सेना के हों, सबकी मरम पट्टी भी करनी है तुमने। तो ये होते हैं वैष्णव। सो दिस इज द वैष्णव कल्चर, ये भगवान की शिक्षा है। तो हम उसी शिक्षा में रहते हैं कि वी हेट द सिन, इसका सोल्यूशन युद्ध नहीं होता, शांति ही सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हल शांति चाहिए, तो शांति ऐसे ही मिलेगी जब सब में भगवान को ही दिखेंगे। तो यही समाप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता यथा रूप की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, रोहिणी इस्कॉन यात्रा की जाए, गॉड प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।